तो वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने उपराज्यपाल को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर मस्जिद के बढ़ते निर्माण की मांग की है, उसे इस पर जांच की मांग की है। बातचीत के हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने LG को चिट्ठी लिखी है और मस्जिदों को लेकर आपने विरोध जताया है, क्या विरोध आप कर रहे हैं, आपके अपने इलाके की बात है? देखिए, मैंने जो देखा, मैंने जो पाया, वही मैंने LG साहब को लिखा है कि वो एक कमेटी का गठन करें, जो जिला न्यायाधीश हैं उनको उसका चेयरमैन बनाएं, सारे विभाग को उसका मेंबर बनाएं, कोई भी राजनीतिक आदमी उसमें ना हो, और वो कमेटी जांच करे कि जितनी मस्जिद और कब्रिस्तान हैं जो ये चुनाव के समय में बनना शुरू होते हैं, इनको कौन शह दे रहा है, क्यों सरकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों अपनी ज़मीन को वो कब्जा करने दे रहे हैं, उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और सारी सरकारी जमीन, ऐसी जितनी मस्जिद बनी हुई है, सबको अपने कब्जे में लेना चाहिए। आप अपने लोकसभा क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, आखिर आपने क्या पड़ताल की है, क्या आंकड़ा इकट्ठा किया? मेरे पास 20 से ज़्यादा ऐसे तथ्य हैं जो मैं वो कमेटी को सौंपूंगा, जिसमें कहाँ कहाँ पर वो मस्जिद हैं, कौन से सरकारी विभाग की जमीन है, सबके साथ में मैं उनको दूंगा। पार्क के अंदर में जो मस्जिद बनी हुई है, सबको दूर से दिखाई देता है कि ये गलत बना हुआ है, कब्जा करके बना हुआ है, उस सबके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई जगह हमने देखा है, दूसरे धर्मों की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे खास तौर से गुरुद्वारों की बात हो, वो भी बने हुए हैं, फिर मस्जिद पर आपत्ति क्यों है? जो आजादी के पहले के जितने भी धार्मिक स्थल है, मुझे किसी पर भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर अगर कोई 20 साल में बना है, मुझे कोई एक ऐसा मंदिर बता दीजिए, एक ऐसा गुरुद्वारा बता दीजिए जो किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना हो। सारे मंदिर गुरुद्वारे जो बने वो DDA से अलॉटेड लैंड है, उन्होंने पैसा जमा कराए, DDA ने लैंड दी, तब बने। बहुत सारी मस्जिद भी ऐसी हैं जो DDA से अलॉटेड लैंड पर हैं, मुझे उन पर आपत्ति है जो कब्जा करके बनाए हुए हैं, और जिनको ये, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये शह देकर कब्जा करवाने देते हैं, मस्जिद बनवाने देते हैं ताकि उनको उनके चुनाव में वोट मिले, मुझे इस पर आपत्ति है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर, आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा सब किया जा रहा है, केजरीवाल सरकार की शह पर ये हो रहा है। मैं तो आपको तथ्य दे दूंगा, मैं तो आपको अपना वीडियो, आप मेरे साथ चले, मैं आपको वीडियो बनवा देता हूँ। पार्क के अंदर में कब्रिस्तान बन रहे हैं, पार्क के अंदर में 50 कब्र दबा दी गई है, वहाँ पे कब्रिस्तान बन रहा है, तो फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन है, कोई कब्रिस्तान का लैंड यूज अभी तक दिल्ली सरकार ने तय नहीं किया, तो कौन उनको वहां पर कब्र दबाने दे रहा है? वहां पे SHO बोलता है कि हमें फ्लड डिपार्टमेंट वाले शिकायत नहीं कर रहे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो मैं आरोप क्या, मैं तो आपको तथ्य दिखा दूंगा, आंखों के सामने दिखा दूंगा। आरोप काफी संवेदनशील है, एक धर्म विशेष की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल आप उठा रहे हैं। मैंने कहा जो मस्जिद, जो DDA से अलॉटेड लैंड है, या जो बहुत अपना सदियों पहले बनी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर नहीं बोल रहा। अगर कोई केवल वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके से काम हो रहे हैं, मुझे उस पर आपत्ति है, और ये नहीं होना चाहिए। और अगर LG लेवल पर कोई एक्शन नहीं होता है, तब आपके पास क्या विकल्प रहेंगे? तो हमारे पास मीडिया का विकल्प है, मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको वहां पर दिखाऊंगा, आप अपनी रिपोर्ट करेंगे ताकि सबको पता लगे। केंद्र में आपकी सरकार है, हम तो सबसे मिलेंगे और इसको अंजाम तक लेके जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने, वेस्ट दिल्ली से वो सांसद हैं, चिट्ठी लिखी है बाकायदा LG को, अनिल बेजल को, और उस चिट्ठी में उन्होंने अपने इलाके में वहाँ पर मांग की है कि जो अवैध मस्जिद बन रही हैं पार्कों में या अलग अलग जगह सरकारी जमीन पर, उनका वेरिफिकेशन किया जाए और जाँच पड़ताल की जाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।